आज है जनाब हमारे अम्मी अब्बू की एनिवर्सरी, मामा बाबा की एनिवर्सरी, मॉमी डैडी की एनिवर्सरी, जो भी आप लोग बोलते हो। सो हैप्पी एनिवर्सरी। एंड आई फॉर माई फादर नेम, आर फॉर माई मदर नेम, गेस के उनका नाम क्या है एंड कॉमेंट बिलो। दिस इज़ द स्मॉल पार्टी डेकोरेशन, वेरी 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 स्मॉल डेकोरेशन। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। जल्दी में जो हो सकती है। सो इट्स हैप्पी एनिवर्सरी और यस इट्स लुक वेरी नाइस आई गेस। आप लोग कमेंट्स में मुझे बताना। एंड या सो वी आर वेटिंग हमारे फादर का। जैसे ही वो आ जाते हैं तो फिर हम केक कट करेंगे। एवरीवन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो मेरे बैग पे क्यूटू सा जो छोटा सा डेकोरेशन देख रहे हैं, ये साक्षात मैंने किया है। सो आज के दिन हमारे माता श्री और पिता श्री की एनिवर्सरी है। सो हमारे पेरेंट्स की, हमारे अम्मी अब्बू की, हमारे डैडी की, मॉमी की एनिवर्सरी है। तो उसके लिए छोटा सा घर पे हमारे आज सेलिब्रेशन है, बिकॉज के एक दो लोग मिसिंग हैं, अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से हम बाहर नहीं जा सके। बट सून हम ग्रैंड पार्टी करने वाले हैं, क्योंकि पिछले साल आपने देखी थी हमने कैसी ग्रैंड सेलिब्रेशन की थी, माशाल्लाह माशाल्लाह एनिवर्सरी की, आप लोगों को याद ही होगा। फिर उसके बाद वो वीडियो डिलीट कर दी थी मैंने, लेकिन अब मैं नहीं करने वाली। अब हम जो भी वीडियो लगाएंगे अब कहीं नहीं जाने वाली है, ओन करूंगी मैं सारी वीडियोस को। सो स्टे ट्यून। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर जी, सो टाइम बहुत कम था, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा तो नहीं डेकोरेट कर सके, बिकॉज के हमें बाहर भी जो सेलिब्रेशन करना था उसमें डेकोरेशन करेंगे। सो हैप्पी एनिवर्सरी। और ये थोड़े से बलून आ गए, आई फॉर माई फादर नेम एंड आर फॉर माई मदर नेम। एंड ये हमारा टॉपर है, केक टॉपर, और ये क्यूट सा बुके, और ये गजरे माशाल्लाह मेरे फादर लेकर आए हैं। यस साक्षात खुद लेकर आए हैं मेरी वालदा के लिए, माजी के लिए। सो यस, एंड ये आप छोटू सा डेकोरेशन देख रहे हो जो कि मैंने किया है। थोड़े से बलून यहाँ लगाए हैं, थोड़े से बलून यहाँ लगाए हैं एंड इस पे लगाए हैं, और एच फॉर हैप्पी, ए फॉर एनिवर्सरी, याहू। सो यस, बहुत क्यूट सा सेलिब्रेशन है। हम लोग वेट कर रहे थे बाहर जाने के लिए, लेकिन यार बाहर जाने का सीन जो है ना, यस बाहर जाने का सीन ऑन हमारा नहीं हो सका। आई विश कि हम बहुत ही जल्दी से चले जाएं। हमने प्लान किया है कोकोनट ग्रुप। हाँ जी, सो कोकोनट ग्रुप जाने के लिए हमने सोचा था, और लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जा सके। आप लोगों ने देखा ही होगा शारे फैसल पे खुला है, बहुत 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 क्लासी है। मतलब सुना है सेलिब्स वगैरह भी आजकल सारे सेलिब्रिटीज़ वहीं पर ही बैठ रहे हैं और सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सो हमने सोचा व्हाई नॉट, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जाएंगे। उस व्लॉग के लिए आप लोग वेट कीजिएगा। और यस, मैं आप लोगों को केक वगैरह दिखाती हूँ खोल के, अभी जैसे ही हमारा ये केक ओपन होता है और क्या होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमारी सेलिब्रेशन। और यस, और आज का दिन बहुत ही हमारा ऐसा गुजरा, शुक्र है कि आज बारिश नहीं थी। और हमारी वीआईपी गेस्ट जो हैं वो आ चुकी हैं, एंड करना चाहूँगी मैं मोटी ना हूँ यार, ओ माय गॉड आई एम स्केयर्ड। ओके, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हाँ जी, सो मैंने सोचा कि आप लोगों को, मैं एक्चुअली मैं इतनी मोटी नहीं हूँ, मैंने अंदर थर्मल बोलते हैं क्या बोलते हैं वो पहना हुआ है, नीचे भी, क्योंकि भाई बहुत ठंड है तो मैं तो डबल ट्रिपल कपड़े पहनी हुई हूँ। सो थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती हूँ कि मैं मोटी तो नजर नहीं आ रही, और पता नहीं क्यों ये मेरे नए वाले मोबाइल में ना मैं बहुत ज्यादा मोटी नजर आती हूँ। सो मैं आप लोगों को वाओ केक दिखाती हूँ। सो मेरा जो मोस्ट फेवरेट केक है वो है हमारे पास रेड वेलवेट, एंड अम्मी की पसंद छोड़ छाड़ मैंने अपनी पसंद को ज़्यादा वो किया है। सो हैप्पी एनिवर्सरी। और ये हमारी लाफरीन, यू नो, बहुत ही ज़बरदस्त एक बेकरी है पाकिस्तान की, कराची की, जो हमें बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा फ्रेश इनके केक्स होते हैं और बहुत फ्रेश इनकी चीज़ें होती हैं। सो यस, जितना भी आप देख रहे हो डेकोरेशन क्यूटू सा मैंने किया है। एंड यार हम सबको चाहिए कि हम सब लोग यू नो सेलिब्रेट किया करें, चाहे वो बर्थडे हो हमारे पेरेंट्स का, एनिवर्सरी हो या जो भी हो। यार आप लोग मुझे बताओ, मैंने जो वीडियो डिलीट कर दी थी ना हमारी पिछले साल वाली सेलिब्रेशन, जिसके बाद हो गया था कि ओ माय गॉड कि ये ऐसे सेलिब्रेट, हमने
काफी फायरवर्क करवाया था माशाल्लाह से, आप लोगों ने देखा था दी वैली में जो सेलिब्रेट किया था, मेरे पास वो वीडियो पड़ी है, मुझे फेसबुक से मिली है। अगर आप लोग कमेंट्स करोगे, प्रांजो में किया था, तो मेरे पास वो वीडियो पड़ी हुई, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं रीपोस्ट कर दूंगी। और मतलब यार, अगर हम अपने पेरेंट्स की बर्थडे हो या कुछ भी हो या एनिवर्सरी हो, उसको ग्रैंड सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इतने मीन्स कमेंट्स क्यों करते हैं? सिर्फ ये हमारे रिश्तेदार करनी चाहिए, मतलब वो लोग का ये पार्ट है, आप लोग क्यों करते हो? सो आप लोग में से भी कुछ लोग बोल रहे थे यार कि अपने इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन, इतना फायरवर्क्स, सो गाइस इट्स ओके, हम कर सकते हैं जो हमारी मर्जी हो। अब हमारे माँ बाप ने काबिल किया, अल्लाह का शुक्र है इस मुकाम पर पहुंचाया है, हम अपनी तो मनाने चले जाते हैं, मुनाल दुबई पहुंच गए यार वहां, तो सो यहाँ पर हम उनका छोटा सा सेलिब्रेशन कर ही सकते हैं। सो कोई ऐसी बात नहीं है, मेरा बस चले तो मैंने तो सोचा है मेरे बच्चे की कोई बर्थडे शर्ट दो, मैं तो पूरा घर उठा के टर्की और इधर उधर लेके जाऊं और वहां पे सेलिब्रेट करें। खैर थैंक यू, थोड़ा सा ओवर यू नो करना पड़ता है। वेल सो मुझे सबसे ज्यादा क्यूट पता है क्या लगा, अभी इतना बारिश वारिश का समा था लेकिन फिर भी मेरे पापा गजरे लेकर आए हैं मम्मा के लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये क्यूट सा जो आप बुके देख रहे हो ना, ये साक्षात वो लेकर आए, क्योंकि हम बच्चे बेगैरत बोलने वाली थी, आई एम सॉरी, हम नहीं लेकर आए, हम बुके नहीं ला सके क्योंकि कोई है नहीं अभी कि जो अरेंज कर दे, क्योंकि मैं बता रही हूँ एक दो लोग मिसिंग है आज हमारे घर से। तो जितना हो सका इतना हमने किया, हम जब जाएंगे ना बाहर सेलिब्रेशन करेंगे तो जेलस हो जाना, ओके? सो या हाल यार, ताने वाली वीडियोस की तो बात ही अलग होती है, मसाला मिल जाता है ना, मजा आ जाता है, थोड़ी सी इधर उधर बातें कर दो अपने। वेल सो यस, ये है आज का सीन, और जल्दी से हम वेट कर रहे हैं, हमारी माता श्री तैयार हो रही हैं, पिताश्री आने वाले हैं, एंड देन उसके बाद हम श्री श्री करेंगे। सो यस, 3 hours later. Oh my god, मेरा केक कितना प्यारा लग रहा है, मिस्टर एंड मिसेस हैप्पी एनिवर्सरी मॉम एंड डैडी, यो यो, ओह माय गॉड, आई एम सो ओवर, तूफा, लाया लाया लाया, ओह वाह वाह वाह। व्लॉग यहीं तक था, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट अपडेट वीडियोस मिलती रहें, एंड लाजमी कमेंट्स में हैप्पी एनिवर्सरी बोल दीजिएगा यार प्लीज। एंड यस, बहुत ही मजा आया, बहुत ही अच्छा दिन गुजरा, जाते जाते सिर्फ आप लोगों को एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि यही छोटी छोटी खुशियां होती हैं, कोशिश किया करें फैमिली को ना यूं रखें, समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे लाइफ के लिए। शादियां हो जाती हैं और यू नो जब आप सब अपने अपने घर के हो जाते हैं, सब बहुत बिजी हो जाते हैं, भूल जाते हैं उस घर को जिस घर से आप आए हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही लेकिन यस ऐसा होता है, प्लीज़ ऐसा ना किया करें, यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं याद रखा करें, टाइम निकाल लिया करें, थोड़ा सा टाइम निकालने से मैं बोलती हूँ सबसे ज़्यादा आजकल की दुनिया में कोई गिफ्ट्स कोई पैसे किसी चीज़ की अहमियत मुझे कम से कम मेरी नज़र में नहीं है, चीज़ों की सबसे ज़्यादा की नज़र में सबसे ज़्यादा अहमियत उनकी है जो टाइम निकाल के आपके पास आते हैं, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम आजकल किसी के पास भी नहीं है किसी से भी मिलने का, सारे रिश्ते ख़त्म ही इस वजह से हो रहे हैं, कोई किसी के घर नहीं आना पसंद करता या आना चाहते हैं शायद टाइम नहीं मिलता, टाइम निकालना पड़ता है और कदर करें। अगर कोई टाइम निकाल के आपके पास आ रहा है, आपके घर पे आ रहा है, आपसे मिलने आ रहा है, मुंह ना बनाएं, कदर करें, उनकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, वरना आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई किसी के घर पे जाए, तो प्लीज़ जाया करें आया करें, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट किया करें, चलो अपनी फैमिली में ही सही, अपने घर वालों की, बहन की, भाई की, किसी की बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कुछ भी है, सेलिब्रेट किया करें।
बिल्कुल चुप। कुछ नहीं कर सकते, तो एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज डाल दिया करें, कॉल कर दिया करें, उतना भी अच्छा ही रहता है। वरना एक केक लेकर जाना किसी के घर पे और छोटा सा सरप्राइज दे देना, आ रही हूँ, दूसरे लोगों के लिए बहुत होता है। सो ओके गाइस, चलो बाय बाय, टाटा। आई होप आप लोग माइंड ना करो जो मैं बोल रही हूँ, बस मेरे दिल में था तो।